चूंकि मैं आरफों के बादशाह के घर में पैदा हुआ, यहां कमी कोई नहीं है, लेकिन जो सबक मुझे मिला हजरत सुल्तान बाहू की तालीबात का, जो निचोड़ मैंने निकाला, ये पूरी शोरकोट स्टेट के मालिक बाप का बेटा अपने हाथों से हल चला रहा है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो आपने ऐसा काश्तकार कोई नहीं देखा होगा जो फसल के तैयार होने पर ऐलान कर दे कि जिसको हाजत है, जितनी हाजत है वो ले जाए, और जिनकी कीमिया असर नजर का आलम यह है कि सरजमीन कश्मीर से आने वाला एक सफेद पोश सैयदज़ादा सखी सुल्तान बाहू का नाम सुनकर अल्लाहु अकबर जब शोरकोट पहुंचा, बेटियां जवान हैं, मदद चाहता है, पता चला कि सुल्तान बाहू तो जमीनों पे हल चला रहे हैं, सबर ना हो सका, वहीं चल पड़े। वहां पहुंचे, देखा पसीने से शराबूर एक शख्स फटे पुराने कपड़े पहने कमजोर जानवरों के साथ हल चला रहे। ख्याल किया जो उसका अपना ये हाल है वो मुझे क्या देगा। बस बड़ा मायूस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि बड़ा सफर करके आया हूं, वहीं से मुड़ गया। मेरे बाहू की निगाह नाज ने अल्लाह उसका हाल देख लिया। आहा। फरमाया शाहजी, क्योंकि मेरा बाहू सखी है, फैज देता है, खुला देता है। जिस तरह सैयद जादे को पुकार कर कहा बड़ी दूर से आया है, मिल तो ले। सैयद जा ने सोचा जो ये जानता है मैं कौन हूं, जिसको ये खबर है मैं क्यों आया हूं, आगे आए। फरमाया शाहजी ये देखो क्या है मेरे हाथ में, ढीला है। सरकार ने ऐसे ढीला मारा, सारी जमीन सोना हो गई। फरमाया ले लो, तुम्हें यही चाहिए ना। अर्ज किया अब ये नहीं चाहिए, वो चाहिए जो ये बना सकता है। आज भी उस सैयदजादे का मजार मेरे सुल्तान की हुजूरी में है। जो लोग सुल्तान बाहू को सलाम करते हैं उसको भी सलाम करते हैं।